कम से कम ये परेशानी तो ना करनी पड़ेगा भाई, डेड बॉडी यहाँ है उसके बाद सीन कराए, कम से कम कोई तो पूछता है यार। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई ये मत ये। सर मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं कि हमारी जितनी बसात थी उसके मुताबिक हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए, उन्होंने भी हमारी हौसला अफजाई की, लेकिन ज़मीनी सतह पर अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि मतलब हमारी डेड बॉडी जो है पिछले दो दिन से यहाँ पे हिंदवाड़ा में है जहाँ आप देख रहे हैं इस वक्त, लेकिन आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस घर का कोई दुनिया से चला जाता है तो उन घर वालों पर क्या गुजरती, ये तो हम सब जानते हैं। तो वहाँ पे हमारे मतलब जितनी बरादरी है पूरा गांव इस वक्त परेशान है, और हम यहाँ पे तकरीबन 8-10 आदमी हमारे पास मस्तूरात हैं, बच्चे हैं, लेकिन हमें मतलब किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, आपके पास खाने को कुछ है या नहीं है। इस चीज़ का मुझे इंतहाई दुख है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल हमें ये नहीं पूछा कि भाई आप कहाँ बैठोगे। बाकी वो तो हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये सब कहने में है वजूद में कुछ भी नहीं आ रहा है। यानी वो मतलब बीकन अथॉरिटीज जो है ये जब चाहते हैं सर तो उस वक्त ये कुछ भी कर सकते हैं। पिछली बार हमारे डीसी साहब ने खुद दौरा किया वहाँ पे, वो दो डेड बॉडियां लेकर गए, पूरी ओवरनाइट उन्होंने ऑपरेशन किया एक किस्म का, तो बहुत हम उस पर उनकी सराहना भी करते हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन आज हमने ग्राउंड पे कुछ नहीं देखा जी। इस बारे में भी हमने मतलब एसपी साहब से भी गुजारिश की और डीसी साहब से भी की, उन्होंने कहा कि ये इनके साथ हमारा वो वाला माहदा नहीं है, पता नहीं वो आप उसको क्या MOS कहते हैं या क्या कहते हैं, तो वो इसलिए वो नहीं मान रहे हैं कि मतलब हम डेड बॉडी को नहीं ले रहे, फ्लाइट में डेड बॉडी नहीं ले सकते, तो फ्लाइट में डेड बॉडी नहीं ले सकते हैं। जबकि आप देखिए सर ये मतलब इतने मुश्किल हैं कि वहाँ पे सुनने में आता है कि नहीं 5 फुट बर्फ है, अगर 5 नहीं है 3 है या 4 ही फुट है, लेकिन हम किस तरीके से, हमने फिर भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें छोड़ दीजिए, हम अपने मतलब बलबोते पे उठा कर भी ले जाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो इजाजत ही हमें नहीं मिली। हमारे तहसीलदार करना भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब वजूद में सामने देखने को कुछ नहीं मिला। सर हमारी जिला इंतजामिया से यही अपील है कि अगर हमारे बाकी मादा जो भी हमारे साथ आदमी हैं, मस्तूरात हैं या बाकी हमारे बच्चे हैं, वो अगर यहाँ ही रह जाएं, लेकिन कम से कम हमारी ये अपील है कि हमारी इस वक्त दो डेड बॉडी हैं, दो दिन से तो एक ही थी, आज दूसरी डेड बॉडी भी यहाँ पे इस वक्त है, सामने आप देख सकते हैं खुद अपनी आंखों से। हमारी यही अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और खुसूसी तौर पर LG साहब से कि ये हमेशा के लिए ये परेशानी हमारे साथ है, मेहरबानी करके इसका कुछ दायमी हल निकालें।